मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारा चुनाव प्रचार जोरों पर है, विकलेकन कल बंद हो जाएंगी, लेकिन हमारी टीम हर हालत में, जो भी गांव हमारा, खास कर ढहीना गांव में हमारा कल का प्रोग्राम है, डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे और हर वोटर के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमने ढहीना से रोड शो किया है और पूरे 15 गांव में होकर शाम तक लास्ट ढहीना ही पहुँचेगा। उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा कि वो एक परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बाहर की राजनीति करते हैं, हम गांव की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति नहीं करते। हम तो बाबा अंबेडकर के संविधानों पर चल रहे हैं। बाबा अंबेडकर ने कहा था कोई रईसों की राजनीति नहीं है, उन्होंने एक कानून बनाया था कि हर निर्धारित चुनाव लड़ सकता है। हम उस पहलू पर उनके निर्देश पर, उनके दिशा निर्देश पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इनका तो अपने परिवार से बाहर ये कभी भी किसी चुनाव में जाते नहीं, इसलिए लोग नाराज हैं। न ये हल्के में रहे और न इन्होंने हल्के वाले जैसे बता रहे हैं कोई काम किया, न किसी का टेलीफोन उठाया, इसलिए इसका भी हमें मुआवजा मिल रहा है। हमारा पूरा मुद्दा विकास का है, दो तीन मेन मुद्दे हैं, पानी की निकासी का मुद्दा है, बस का मुद्दा है और कई छोटे छोटे मुद्दे हैं। खासकर लड़कियों का, स्टूडेंटों को जाने आने में यहाँ से कोई साधन नहीं है, कोई प्राइवेट बस नहीं है, कोई रोडवेज बस नहीं है, बड़ी भारी इनको दिक्कत आ रही है। और भी कई मुद्दे इनके ऐसे रोज़मर्रा कई गलियों में जितना बुरा हाल हो रहा है कि निकल ही नहीं सकता इंसान, पानी से भरी हुई है। इन तमाम मुद्दों का हमने, कि हम तो नीचे से उठ के ऊपर से आए हैं, इसलिए तमाम मुद्दों का मुझे ज्ञान है। और 9 तारीख के बाद जब सूरज खिलेगा 10 का, तो अजीब किस्म की रोशनी होगी। डड़ोली आश्रम में मेरा, मेरे ख्याल से 1973 से पहले से ही मेरा इनसे लगाव है, 1966 से मेरा लगाव है। बाबा जी हमारे खास होते थे, भाई साहब के भी खास होते थे। भाई साहब ने, नरबीर सिंह ने गीता भवन उन दोनों ने बनवाया था और हमारा महाराज से बैठ उठ भी थी। महाराज की मूर्ति के लिए भी मैंने एक दिन महाराज ने थोड़ा सा जिक्र किया था, तो हमारे परिवार ने 2.5 लाख रुपए महाराज की मूर्ति डोनेट करके मूर्ति मंगवाई और लगवाई। बिल्कुल महाराज की असीम कृपा है और उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है आज, इसीलिए हम जरूरी से एक आश्रम में महाराज के माथा टेकना।